हाय, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। आज मैं अंग्रेजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के विषय में बात करने वाला हूँ, जिसका हिंदी होता है अभिपद। ठीक है, यह किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले लग करके उसको बताता है कि यह एक है या अनेक है या कोई विशेष है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर वन है डिफिनिट आर्टिकल, नंबर टू है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द या दी आता है। ठीक है, इसमें हम लोग चूंकि इंडियन हैं, इसमें साउंड का बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, ए मत को अ भी बोलते हैं, लोअर साउंड में अ बोलते हैं और बड़ा साउंड में ए भी बोलते हैं, और एन को भी अन बोलते हैं और बड़ा साउंड में एन बोलते हैं। और द या दी, ये सिंगुलर के साथ लगने वाला है या प्लूरल के साथ लगने वाला है, इसको हम लोग ध्यान से बोलने में यूज करते हैं। ए और एन को ए एन एवं द, ये तीनों के तीनों आर्टिकल कहे जाते हैं। सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान जाते हैं कहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, कहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ए और एन का यूज किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के किया जाता है पहले। ठीक है, यानी कि ऐसा नाउन जो अनिश्चित हो, इनडिफिनिट और अनसर्टेन हो, उसका बोध कराने के लिए हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, मिस्टर यशस्वी हैज ए कार या अ कार, आई मेट ए डॉक्टर यस्टरडे। ये सब क्या होगा कि डिफिनिट आर्टिकल के, इनडिफिनिट आर्टिकल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए कार, ए डॉक्टर, ये सब के पहले ए लेटर, ए काउ, एन एप्पल, ये सब इनडिफिनिट आर्टिकल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो द या दी का यूज किसी नाउन को डिफिनिट या सर्टेन यानी कि निश्चित करने के लिए, बनाने के लिए ये किया जाता है। जैसे द सिल्क ऑफ भागलपुर इज फाइन, ये जिसमें भागलपुर की सिल्क की विशेषता बतलाई गई है, निश्चित किया गया है कि ये कहाँ का सिल्क है, तो भागलपुर का सिल्क है। वहीं पे आई मेट द डॉक्टर एस्टरडे, यहाँ पे भी जो डॉक्टर की विशेषता बतलाई है कि मैंने उस खास डॉक्टर से कल मिला है। ठीक है, मिला। इसमें सिल्क, डॉक्टर, स्टूडेंट एवं कार के पहले द का प्रयोग किया गया है ये सब एग्जाम्पल में। वहीं पे थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल से रिलेटेड उसको जान लेंगे। पहला ये है कि ए एवं एन का शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल जो मीनिंग है वो एक या कोई होता है। ठीक है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है, यानी कि जैसे यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट नोट वो ये है कि ए एन या एन विशेषण यानी कि वन का कमजोर रूप फॉर्म है। ठीक है, कमजोर फॉर्म है किसका, वन का, एवं द विशेषण एडजेक्टिव दिस या डेट का कमजोर रूप है, वीक फॉर्म है। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन के पहले द लगा रहे तो उसे द पढ़ा जाता है, एवं वोवल से पहले पहले नाउन को दी लगा रहे तो उसे दी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ये कि जो लोअर साउंड है उसमें अ कहते हैं ए को, और हायर साउंड साउंड में अन का ए कहते हैं, उसी तरह से अन कहते हैं लोअर साउंड में और द या दी कहते हैं। और जो बड़ा साउंड होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म, तो उसमें दी ही बोलते हैं द को। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है तो यह है कि जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण अ एवं एन का उच्चारण अन करते हैं, लेकिन यदि ए एवं एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच या डिस्कोर्स में ए या एन का प्रयोग आने वाले पर शब्द विशेष जुड़ा हो, जोड़ देना हो, तो ए को ए और एन को एन कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, कि आर्टिकल ए एन द का यूज नाउन के पहले होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ए एन द प्लस नाउन। ठीक है, जैसे राधा बॉट ए कार, यहाँ पे ए आर्टिकल है और कार क्या है, नाउन है। क्लियर हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो यह है कि यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा रहा है तो आर्टिकल ए एन द का यूज नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेहा इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट।
इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस आर्टिकल है, उसके पहले एन का प्रयोग हुआ है, क्लियर। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा रहे हैं, हम एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा रहे हैं, तो आर्टिकल ए एन एवं द का यूज एडवर्ब के पहले होता है, यानी कि क्रिया विशेषण के पहले होता है। तो सी हैज गिवन मी ए वेरी गुड पेन, यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरी के पहले क्या लगा है, ए लगा है, क्लियर हो गया। वहीं पे यहाँ पे एक नोट है इम्पोर्टेंट, उस पर ध्यान देना है कि द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका यूज नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल क्या है ये भी क्लियर हो गया, उसका उच्चारण कैसे कैसे होता है, लोअर साउंड और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसका उच्चारण कैसे होता है, स्पीच में कैसे होता है, लिखावट में कैसे होता है, और पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, ये सब हम समझ गए, ठीक है। अब आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम लोग क्या करेंगे, देखते जाएंगे, क्लियर हो गया, ध्यान से। अगला है कि यदि किसी सेंटेंस में हाउ हो, क्या हो, हाउ हो, एज हो, डबल टू हो, टी डबल ओ, सो दिया रहे, तो आर्टिकल ए एन का यूज एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, बल्कि एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले होता है, ठीक है। जिसे हाउ या सो या डबल टू एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन, इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हाउ ए फाइन डेट टी डबल ओ टू, ठीक है। तो इसको करेक्ट फॉर्म हो जाएगा कि हाउ फाइन अ डे, क्लियर। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में, सेशन में, वो सब हम लोग कर सकते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट नोट है कि यदि ऑल के बाद द आए, तो इससे पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंक, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑल प्लस द प्लस प्लुरल नाउन, और एग्जांपल हो जाएगा ऑल द बॉयज आर डिसिप्लिन्ड, ठीक है। यदि ऑल के बाद द का यूज नहीं हुआ हो, तो इसे पूरी क्लास का बोध होता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूज ऑफ ए एन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम मैं दे रहा हूँ कि जैसे ए एन का यूज हो, तो उसमें ए का और एन का कहाँ कहाँ यूज होता है, उसमें क्या क्या अंतर होता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि जिस वर्ड का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड ध्वनि से शुरू होता है, तो उसके पहले एन का यूज होता है। वहीं पर अगर जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसके पहले अ का प्रयोग होता है। सामान्यतः ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहा जाता है, एवं शेष जो 19 लेटर हैं उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। एक्स और वाई जो डब्ल्यू और वाई जो होता है वो सेमी वॉवेल होता है, जिसका वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह उच्चारण होता है, ठीक है। लेकिन ए एन का यूज रिटेन फॉर्म के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि स्पोकन फॉर्म के आधार पर यानी कि उच्चारण के आधार पर किया जाता है, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड की तरह ही उस वर्ड के पहले अ का यूज होता है, और यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर के वॉवेल साउंड हो की तरह हो, तो उस वर्ड के पहले एन का यूज करते हैं। जैसे अबवाय हुआ तो वहीं पे एन आउल हो जाएगा, एन एलिफेंट हुआ तो एन ऑक्स हो जाएगा, ये सब